कन्नौज तहसील के छोटे से गांव पांगरा में अरविंद पिता हेमराज मीणा, माता सुमन मीणा के बेटे का सिविल जज में परीक्षा में चयन होने पर परिवार के साथ ही पूरे ग्राम में खुशी की लहर दौड़ गई है। खुशी जाहिर करते हुए ग्रामीणों ने जमकर आतिशबाजी भी की। मध्य प्रदेश व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 2 में ओबीसी वर्ग में 10वीं रैंक हासिल कर नाम रोशन किया। अपनी शिक्षा शासकीय प्राथमिक माध्यमिक विद्यालय पांगरा से प्राप्त की। उच्च शिक्षा बीए एलएलबी शासकीय विधि महाविद्यालय इंदौर से प्राप्त कर परिवार में माता पिता व शासकीय हाई स्कूल विद्यालय पांगरा के प्रभारी प्राचार्य तथा छात्र अरविंद के शिक्षक नंदलाल हरियाले कन्नौज ने न्यायाधीश के पद पर चयन होने के अवसर पर संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर व गुलदस्ता भेंट कर न्यायाधीश बनने पर अपने छात्र का सम्मान किया। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। सर, ये बताएं कि अरविंद मीणा जो पांगरा के हैं जी, और इनका अभी जो है सिविल जज में जो सिलेक्शन हुआ है जी, और ये शासकीय विद्यालय में आप जो है मतलब शिक्षक के रूप में थे जी, और ये आपके छात्र रहे हैं जी, तो इनकी पढ़ाई वगैरह कैसी रही? उस समय प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्र था, तो उस समय बच्चे में इतना अच्छा जोश, उमंग और पढ़ने में रुचि थी कि वो हमको ऐसा महसूस हो रहा था पूरे स्टाफ को और मुझे भी कि बच्चा भविष्य में कुछ ना कुछ अच्छा मुकाम हासिल करेगा। और वर्तमान में आज हमको वो उदाहरण और वो दिन आज ताज़ा करने के लिए आज हमें वो सफलता जो हमने सोचा था, बालक की भी कल्पना थी, परिवार की भी कल्पना थी, और आज सिविल जज सेकंड ग्रेड पर चयन हुआ है जो पूरे विद्यालय परिवार में और मतलब माता पिता में और ग्रामवासियों में तहसील कन्नौज क्षेत्र देवास में सभी में खुशी का उत्साह का वातावरण बना हुआ है। और मैं चाहता हूं कि इसी प्रकार से हर विद्यार्थी हर विद्यालय में जहां भी वो अध्ययनरत है वो पढ़ लिख कर माँ बाप का नाम रोशन करे, परिवार का नाम रोशन करे और अरविंद जी के उदाहरण से प्रेरणा लेकर कॉम्पिटिशन की परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे पद पर जाकर अपना सफलता का परचम लहराए। आज हम ग्राम पांगरा के अंदर आए हुए हैं, यहाँ एक किसान के बेटे ने सिविल जज की परीक्षा पास करी है। आज हमसे उनसे ही हम चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। क्या शुभ नाम है आपका? जी अरविंद मीणा। अरविंद मीणा, ये बताएं कि आपने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से की? जी सर, मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो गांव में सरकारी स्कूल है यहीं से, जो गांव में पांगरा में है वहीं से शिक्षा ग्रहण की थी प्रारंभिक शिक्षा। तत्पश्चात मैंने जो हायर सेकेंडरी स्कूलिंग है वो कन्नौज से की थी, उसके पश्चात मैंने जो मेरा विधि स्नातक है वो इंदौर विधि महाविद्यालय से किया था। अच्छा, आपको इस मंजिल तक पहुँचने में किन किन लोगों की अच्छी से मदद मिली है? जी वैसे तो ईश्वर का आशीर्वाद रहा है मेरे ऊपर और मेरे माता पिता का विशेष सहयोग रहा है, और सबसे ज्यादा मैं जिनका आभारी हूँ वो मेरे मामा जी एवं मामी जी हैं जिनके पास रहकर मैंने पढ़ाई की। अच्छा, किस पोस्ट पे आपका सिलेक्शन हुआ है? जी मेरा मध्य प्रदेश सिविल जज वर्ग 2 की पोस्ट पर चयन हुआ है। अच्छा, आने वाले समय में जो छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं तो उन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि जीवन में बड़े से बड़े लक्ष्य रखना चाहिए और उनके लिए पूर्ण दृढ़ संकल्प और पूर्ण इच्छा शक्ति के साथ अगर आप समर्पण से मेहनत करते हैं तो ये लक्ष्य को जरूर पूर्ण होते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि पूर्ण लगन से अपने लक्ष्य बनाइए और पूर्ण मेहनत से उन्हें पूरी करने की कोशिश। चलो, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। हेमराज जी, ये बताएं कि आपके बेटे ने सिविल परीक्षा पास की तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? जी सर, मुझे तो बहुत खुशी है और भगवान की कृपा से मेरे बेटे ने बहुत अच्छा काम किया और मैं हमारे गांव के समाज का सभी का नाम रोशन किया। और मैं ये चाहता हूँ कि समाज में हर परिवार का बच्चा अच्छी पढ़ाई करे, अच्छी उन्नति करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। मेरी सभी मेरे गांव के सभी पढ़ने वाले बच्चों से भी यही आशा है कि वो भी उन्नति करे, हर गांव के हमारे छोटे से गांव के में अच्छी उन्नति करे हर बच्चा। और भगवान का भी धन्यवाद करना चाहूँगा और मेरे जो साले साहब है उनका भी काफी सहयोग रहा यहाँ तक पहुँचने में, उनका भी काफी सहयोग है।
हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।